एग्जामिनेशन में, ये रिटन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये आपको क्या करना है, ये चार चैप्टर पढ़िए, ये रिटन चैप्टर है। और हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डी क्लासेस में, जो सीरीज ऑफ वीडियो में बना रहा हूँ क्लास 10th के सोलह सब्जेक्ट में सिलेबस के ऊपर 2022 के बोर्ड में आने वाला है सीबीएसई के। उसमें इकोनॉमी में देखिए चार चैप्टर आ रहे हैं, डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, और चौथा चैप्टर के बाद जो एक लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट, वो आपको खाली प्रोजेक्ट वर्क है। और मैंने मुझे पता चला है कई सारे स्कूलों में जो कि सीबीएसई के एफिलेटेड स्कूल हैं, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और टीचर्स का जो वहाँ पे होंगे, उन्होंने भी ये चैप्टर पढ़ा दिया है और वो बच्चे याद कर रहे हैं। उन्होंने मेरे सामने क्वारी रखी कि सर क्या ये चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कंज्यूमर राइट चैप्टर जो नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये रिटन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये चैप्टर खाली प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है, ये कंटेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों पॉइंट क्या था, प्रोजेक्ट वर्क लिए था। तो उन्होंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, जानकारी अच्छी होती, जानकारी जितना यहाँ से उतना है, लेकिन हमें कलेक्टर नहीं बनना है पेपर में, हमें अपने एग्जामिनेशन को निकालना है और अपनी लाइब्रेरी नहीं खोलनी है कि सारे कंटेंट पढ़ के अपनी लाइब्रेरी खोली है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना कोर्स और सिलेबस कंटेंट है, और नंबर वहीं से निकाले जा सकते हैं, और कलेक्टर बनने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चार चैप्टर पढ़िए, ये रिटन चैप्टर है, और ईमानदारी से मेहनत करिए। और सबसे मोस्ट चीज क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, ताकि ये फ्री कंटेंट तक पहुँच सके, उनको पता चले कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट को प्रोवाइड कराता है। गॉड ब्लेस यू, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं।